हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है और हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो चुका है। मेरी बेटी स्कूल भी चली गई है और मेरा ऑलमोस्ट लंच भी बन के रेडी हो गया है। बस मुझे राइस बनाना है, वो तो राइस कुकर में बना दूंगी। और उसके बाद थोड़ा बहुत क्लीनिंग था घर का, वो किया और ये सारी हैंडकरचीफ मैंने साफ़ किया था क्योंकि एवरी डे मेरी बेटी को स्कूल बैग में देना पड़ता है ये सारी हैंडकरचीफ, तो साफ़ करके ऐसे रख देती हूँ तो ईजी होता है। और यहाँ पे देखिए मेरा किचन भी एकदम साफ़ सुथर हो गया है। थोड़ा बहुत प्लेट्स वगैरह है धोने के लिए, वो मेरी शाम को जो मैड आते हैं वो साफ़ कर लेंगे। बस इवनिंग को हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, घर के पास जो मॉल है वहाँ के लिए गए थे, तो थोड़ा बहुत सूट किया है मैंने, ज़्यादा सूट नहीं किया है। देखो येलो टी शर्ट डिफरेंट होता है, बॉयस मना। और थोड़ी देर के बाद हम लोग घर भी आ गए थे और उसका हिंदी बुक्स अभी मिल गया है स्कूल में, तो बुक्स को मुझे कवर करना था। और सारी बुक का तो कवर मैंने पहले ही लगा दिया था, बस ये न्यू बुक्स अभी मिला है तो ये वाला भी मैं कवर लगा दूंगी। और साइड में मैं थोड़ी बहुत होमवर्क उसको दिया है लिखने के लिए, वो लिख रही है अभी। ऐसा होता है ना कि एक एक दिन इतना बिजी चलता है कि भागदौड़ जैसा रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा जो बुक्स है वो मैंने कवर लगा दिया है ऑलमोस्ट। क्या है रे ये पेंसिल का हालत, इरेजर का, ओह माय गॉड, स्कूल में ये सब करते हो? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं नेक्स्ट डे ये ब्लॉग बना रही हूँ। कल मेरी बेटी का बहुत सारे होमवर्क वगैरह दिए थे इसलिए कल बिल्कुल भी और ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। और बस यहाँ पे देखिए आज मैं सुबह सुबह मेरी बेटी का टिफ़िन बॉक्स रेडी करने जा रही हूँ। आज मुझे देना था नूडल्स तो इसीलिए मैंने कल नूडल्स बॉयल करके रख दिया था। आज बस देखिए यहाँ पे ऑनियन एंड कैप्सिकम को मैंने पतला पतला कट कर दिया है और जो कैरेट को मैंने ग्रेट कर लिया था और बस थोड़ा सा सॉटे कर दिया है, थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने जो नूडल्स, ये राइस नूडल्स हैं, मैंने कल ही बॉयल कर दिया था। तो आज बस देखिए वहाँ पे मिक्स करके अच्छी तरह से ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा पीजा सीजलिंग्स ऐड करके स्वाद के अनुसार नमक डाल के बस ये बन के रेडी हो गया है आज का नूडल्स। और यहाँ पे साइड में मैंने थोड़ा छोटा सा पैन में ऐसे जो मकिंस वगैरह रहता है वो वाला थोड़ा सा फ्राई कर दिया है, बच्चे लोग को अच्छा लगता है कभी कभार स्कूल में खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सारे टिफिन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था, बस ऊपर से मैं दोबारा साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है तो बस मैं अभी टिफ़िन पैक कर दूंगी। अगर आपको पता है कि कल आपको नूडल्स देना है तो आप कल रात को ही नूडल्स बॉईल करके फ्रीज में रख दीजिए, बहुत ही इजी रहता है। तो यहाँ पे देखिए दो टिफ़िन बॉक्स रेडी हो गया है नूडल्स के साथ, वो कुछ भी नहीं लेना चाहती है इसलिए मैं सिर्फ नूडल्स ही दिया है। और यहाँ पे साइड में मैं जो स्माइली वगैरह वो फ्राई किया था वो दे दिया है, थोड़ा सा बिस्किट दे दिया है और यहाँ पे हार्ड बिस्किट थोड़ा सा दे दिया है। बस ये हो गया आज का टिफ़िन। उसके बाद देखिए उसको खिला दिया था मैंने और यहाँ पे मैं उसका बाल बना रही हूँ। और सुबह सुबह हड़बड़ी में नहीं होता है, बट जितना होता है उतना ही मैंने कोशिश किया है। आज उसकी हेयर में थोड़ा सा ऑयलिंग भी किया था तो अच्छा लग रहा था। और बेटी स्कूल जाने के बाद यहाँ पे हम लोग का चाय वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह शुरू होता है। और ब्रेकफास्ट तो मैंने नूडल्स बना दिया था एक ही साथ हम लोग के लिए भी, तो बस यहाँ पे मैं तुरंत चाय बना लूँगी और नूडल्स को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे ढेर सारा अदरक एंड ब्लैक पेपर को कूट के मैंने चाय में ऐड किया है।
तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग मैं कल से ही शुरू किया था, तो आज ये ब्लॉग्स को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।